the Supreme Court of India on 17th July said in a strong word that mobocracy cannot be allowed in India, and the people cannot be allowed to take law in their hands. On the same day, Swami Agnivesh was lynched by a lynched mob in Pakur, district of Jharkhand, where he had gone to address a public meeting organized by the tribal community here. What happened? What instigated the mob to attack him? Let's listen to Mr. Agnivesh himself. मुझे तो कहा गया था 25,000 आदिवासी इकट्ठे होंगे जो आदिम जनजाति है पहाड़िया उनकी समस्याओं को लेकर के मैं वहाँ पहुँचा उससे आने से 12 दिन पहले मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को चिट्ठी लिखी कि मैं इन सवालों को अपनी बात कहने के लिए पाकुर जाऊंगा उससे पहले मैं आपसे रांची में मिल करके 16 तारीख को कुछ जानना चाहूँगा कि आपका क्या इस बारे में कुछ कहना है उनको कई कई बार याद दिलाया लेकिन उन्होंने कोई समय नहीं दिया पता चला कि अधिवेशन भी शुरू हो रहा है तो फिर मैंने भी कुछ ज़्यादा जोर नहीं दिया लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मैं खूंटी गया खूंटी में आदिवासियों के सवाल पर वहाँ के DM सूरज कुमार जी से SDM प्रणव कुमार से बातचीत की दिन भर और फिर मैं लौट करके आके सीधे स्टेशन से ट्रेन पकड़ करके मैं पाकुड़ चला गया 10 घंटे की यात्रा के बाद सुबह मैं पाकुड़ पहुँचता हूँ 5:30 बजे तो वहाँ पर नहाने धोने के लिए मुस्कान गेस्ट हाउस है वहाँ मैं गया नहा धो के तैयार होके और फिर मैं पत्रकारों के साथ मिलके बैठ के बात करा बातचीत क्या थी कि भाई आदिवासियों का सबसे बड़ा सवाल जो 70 साल से लटका पड़ा है 5वीं अनुसूची पर आज तक किसी राज्यपाल ने कभी कोई कदम ही नहीं उठाया 70 साल हो गए क्यों नहीं उठा रहे आदिवासियों के हितों के लिए उनके पास बहुत पावर है पिछले साल आया था रांची तो हमारी राज्यपाल महोदया से मैं मिला था द्रौपदी मुर्मू जी से मैंने उनसे बड़ी याचनापूर्वक की कि आप बहन जी स्वयं आदिवासी हैं आप इस मुद्दे को उठाइए पूरे देश के अंदर ये बहस छेड़ी कि जब संविधान हमें पावर दे रहा हम क्यों नहीं इसका उपयोग कर रहे आज मुझे मिलना था 18 की सुबह उन्होंने कैंसिल कर दिया मुझे ये कहना है कि हमारे साथ जो देश के साथ अन्याय हो रहा है आदिवासी इस समय पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शोषित दलित और उनके अधिकारों को देना तो दूर छीना जा रहा है उनके जल जमीन के अधिकार उनके खनिज संपदा के अधिकार मुझे पता चला मैं उसको मुद्दा उठाने वाला था कि सुंदर पहाड़ी वगैरह गुंडू वो इलाका है जहाँ पर अडानी जी को कई हज़ार एकड़ ज़मीन दी जा रही है अब 210 के लगभग MOU साइन किए बैठी हमारी झारखंड की सरकार और लगभग 3.5 लाख एकड़ ज़मीन दे दी जाएगी बड़े बड़ी कंपनियों को अरे भैया आप समाज को आदिवासियों को विश्वास में लीजिए उनका क्या विकास में हिस्सा है वो कुछ नहीं कर रहे इन्हीं बातों के लिए मैं जा रहा था कि पी पेशा एक्ट 1996 में बना PD शर्मा जी बहुत बड़े आदिवासियों के थे बस्तर में कलेक्टर होते थे और तब उन्होंने वो पेशा एक्ट बनवाया पार्लियामेंट ने पास किया 96 से लेकर आज 2018 तक रूल्स नहीं बने उन सारे प्रांतों में जहां आदिवासी हैं वहां की विधानसभा की जिम्मेदारी है रूल्स बनाने की हाँ 22 साल तक नियम रूल्स नहीं बनाते लागू नहीं करते उसको तो इससे जो हताशा निराशा होगी उसमें से कहीं कोई मिलिटेंसी पैदा होगी कोई नक्सली आएंगे कोई और कुछ होगा और फिर आप कहेंगे कि इनको हम कुचल देंगे मार देंगे उनके साथ बातचीत भी नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ों को रखने के लिए मैं पत्रकारों से बात करके कि हम हिंसा के खिलाफ हैं वायलेंस एंड काउंटर वायलेंस कोई भी समाधान नहीं हो सकता डायलॉग इज़ द ओनली वे बातचीत उस समय किसी ने आके मुझे कहा सबके सामने कि बाहर दरवाजे के बाहर हमारे मुस्कान गेस्ट हाउस के कुछ RSS से जुड़े हुए संगठन खास करके नाम लिया उन्होंने ABVP और भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो लोग आपके खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं
तो मैंने सहज भाव से क्या प्रदर्शन बाहर करने की क्या जरूरत, उनको अंदर बुलाओ, चाय पिलाएंगे उनको और बातचीत करेंगे, हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेंगे, क्या बात है, दोस्त हैं हमारे, वो आए अंदर, कोई नहीं आया। जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई जिसमें मैं हर तरह के पशु पक्षियों की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए कह रहा हूँ, मांसाहार के बदले शाकाहार होना चाहिए कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे एक रत्ती भर की सूचना नहीं थी किस लिए वो साथी हमारे गुस्से में हैं, क्यों वो बातचीत भी नहीं करना चाहते। जब मैं बाहर निकला हूँ तो ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि वो पत्रकार लोग सारे अपने कैमरे वगैरह के साथ वहीं पर तैयार थे, वरना ये आई गई हो जाती, कोई चीज़ पता नहीं लगता दुनिया को। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया, मैं उनको हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसे आप मेरा चित्र देखेंगे जब वो गुस्से से मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं और उनमें कोई प्रसन्ना मिश्रा करके है जो मुझे बताया गया वहाँ के स्थानीय लोगों ने कि वो एक असामाजिक तत्व है वहाँ और वो जुड़ा हुआ है RSS के संघ परिवार से, वहाँ ABVP के थे, BJP के पार्षद थे, ये सब लोग थे, 8-10 लोगों के नाम हमारे स्थानीय साथियों ने दिया। तो कल शाम तक वहाँ, मतलब जब तक ये घटना होती रही, एक पुलिस का सिपाही ने, एक सिक्योरिटी ने, जबकि वहाँ के स्थानीय आयोजकों ने एक एक चीज लिख करके कि स्वामी जी का ये कार्यक्रम है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, आदि आदि लिख के दिया हुआ था, केवल दिया नहीं था, उनके पास रसीद मौजूद है। ये शिवचरण माल्टो जी मेरे साथ, जिन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली से, उनके पास रसीद है, लेकिन कोई भी जरा भी तिनका भी कुछ हुआ, और CID को भी सक्रिय होना चाहिए था, उन्होंने भी कोई रिपोर्ट ऐसे नहीं दी कि ऐसा होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा प्रायोजित हमला है, मुख्यमंत्री को पता होते हुए, गवर्नर साहिबा को भी मैंने सूचित कर दिया, मैं उनका नाम नहीं ले रहा यहाँ इस काम में, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर के और पाकुड़ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ ऐसी घटना होने जा रही है तो रोकथाम करते, प्रिवेंटिव एक्शन लेते, मुझे कम से कम थोड़ी सी चेतावनी दे देते कि स्वामी जी जरा सावधान रहना, ये लोग इस मूड में नहीं है बातचीत करने के और कुछ भी होता, और उनको अपनी तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं किया और अचानक से जो हमला हुआ है, मुझे मारने लगे लात और घूसों से, गंदी माँ बहन जी गालियाँ देने लगे और नीचे गिरा करके, कपड़े फाड़ करके, पगड़ी को भी फाड़ के नीचे गिरा, ये सारा आप देखेंगे, मैं कपड़े लेके आया, फटे हुए कपड़े जो मेरे उस समय मैंने पहने थे, तो वो सारा का आप देखेंगे तो ये तो ईश्वर की कृपा हुई जो मैं जीवित बच गया। जहाँ पसलियों में मेरी हड्डियों में कोई चोट आई है और उसकी वजह से बहुत दर्द से मैं करा रहा हूँ, अब मैं जाऊँगा दिल्ली के शाम को 4-5 बजे पहुँच के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में, दिखाऊँगा कुछ है क्या इस। तो इस तरह यहाँ पर बाएँ हाथ में यहाँ पर पसलियाँ हैं, इनके चोट आ रही, और भी घुटने और इन सब चीज़ों में जो चोट थी, तात्कालिक उपचार उन्होंने कुछ पट्टियों की बांध रखी मेरे पैर में। तो मैं आप लोगों से ये एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो खतरा है मेरे साथ जो कुछ हुआ उस तो थोड़ा बहुत हाईलाइट हो गया, लेकिन ये लिंच मॉब के द्वारा इतने गरीब लोग मारे जा रहे हैं, अखलाक की हत्या हुई दिल्ली के नाक के नीचे दादरी में बिसाड़ा में, आज से 2 साल पहले, आज तक एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया, रात को 10:30 बजे उसके घर में 200 लोग घुस गए और गलत आरोप लगाया कि मांस गाय का रखा हुआ है तुम्हारे फ्रिज, तो हाथ जोड़ के कह रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई सुनना नहीं, तैयारी थी, मंदिर में लाउड स्पीकर से लोगों को इकट्ठा किया और उसके ऊपर टूट पड़े मार डाला, मैं बिसाड़ा गया, उसके घर पर गया। तो मैं देख रहा हूँ पहलू खान की हत्या हुई, जुनेद की हत्या हुई, दर्जनों, और हमारे झारखंड में कई ऐसी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये देश को एक फासिज्म का खतरा है। मेरे बारे में वो नारे लगा रहे थे गो मांस के समर्थक, भारत छोड़ो, अब मैं गो मांस क्या, मुर्गी का मांस भी मैं इसका विरोध, मैं कैसे गो मांस का समर्थन कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं। और फिर जय श्री राम, राम को बदनाम कर रहे हो, राम का ये चरित्र तुम्हें मिला है इस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से अटैक करना किसी के ऊपर,
तो मुझे लगता है कि ये हमारी हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े दुश्मन लोग हैं, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म हम कहते हैं उसको ये इतना बिगाड़ दे रहे हैं, इतना बिगाड़ दे रहे हैं, उसके अंदर इतनी कट्टरवादिता भी ला रहे हैं, हिंसा ला रहे हैं, और उसका परिणाम मुझे लगता है पूरे भारत को, पूरी दुनिया के, खास करके हिंदुओं को और दूसरे भी समाज के लोगों को चौकन्ना होना चाहिए। पार्टी के लोगों से कहूँगा, सुबोध कांत साय जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, इन सबको भी, टी एल पूनिया जी के कई बार पूना, मैं सब लोगों से कहूँगा कि यदि इस समय आप एकजुट नहीं होते और मिल करके समाज की ताकत और पार्टियों की ताकत मुकाबला नहीं करेंगे तो ये फासिज्म आपको भस्म कर देगा, बाद में कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। ये इस समय खतरा है। मैं समझता हूँ इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं दोबारा भी बुलाएंगे, मैं जाऊँगा, पाकुड़ जाऊँगा और डिट्टीपाड़ा भी जाऊँगा। कल 1,00,000 लोग इकट्ठे हुए थे, 1,00,000, मुझे 25,000 कहा था, 1,00,000 इकट्ठे हुए। मुझे दुख है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो साथियों, ये हम सब भी जो हमारे पत्रकार मित्र हैं और हमारे समाज के नेता हैं, राजनीतिक पार्टियों के, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जो फासिस्ट टेंडेंसी, और मेरे जैसे सन्यासी के ऊपर कोई नहीं कह सकता कि मैं हिंदू धर्म सनातन धर्म का दुश्मन हूँ। मैं जरूर अंधविश्वास और पाखंड के बारे में महर्षि दयानंद से प्रेरणा लेकर के आर्य समाज में मैं दीक्षित हुआ जब मैं 17 साल का था कलकत्ते में, और तब से मैं ये चर्चा करता हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी की आस्था पर चोट करने का, किसी के धार्मिक विश्वास का मजाक उड़ाने का काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि ये देश बहुत ही सशक्त बने और वेद और उपनिषद की परंपराओं को लेकर के पूरा मानव मात्र एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है। हम हिंदू मुसलमान को क्या और जात पात को क्या, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए हमारा। ये संदेश दें सारी दुनिया को, तो जाकर के दुनिया को एक नया तोहफा मिलेगा। मुझे लगता है कि हम उससे दूर जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं, नुकसान अपना कर रहे हैं। मैं तो आज बच गया हूँ जीवित, लेकिन उनसे पूछे कि तुम किसकी हत्या कर रहे थे, अग्निवेश की कर रहे थे या हिंदू संस्कृति की हत्या कर रहे थे। भारत सरकार को सख्त आदेश दे रहा है, सब राज्य सरकारों को आदेश दे रहा है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत विनयपूर्वक कहना चाहूँगा कि आपके आदेशों की पूरी धज्जियाँ उड़ रही है। इससे पहले के आदेश देख लीजिए, इस आदेश को भी आप देख लीजिएगा, 3 दिन में क्या नतीजा निकलता है। जो हुकूमतें दौरे हुकूमत है वो इसी में अपनी राजनीति रोटी सेक रही, इसी में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं किसी बड़े नेता का, कुछ नहीं कर सकते, लागू नहीं होगा। एक एक आदेश की अवहेलना हुई है, सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेंट के पावर्स हैं, लेकिन आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं किया कि देखिए इन चीजों का समाधान कोर्ट और कचहरी और कानून से नहीं है, ये सामाजिक वैचारिक क्रांति आनी चाहिए। राजनीतिक इसका जवाब, इसका जवाब पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा, और डेमोक्रेटिक फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ सोशल जस्टिस एक जगह नहीं आएगी। यू हर्ड स्वामी अग्निवेश एलिजिंग दैट द अटैक ऑन हिम इन पाकुर यस्टरडे वाज प्री प्लान्ड, ही हैड इंटीमेटेड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अराइवल इन द स्टेट ऑफ झारखंड टू द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अथॉरिटीज कंसर्न्ड, बट नो सिक्योरिटी अरेंजमेंट was made. The incident that took place yesterday shows that there are people who consider themselves above law. There is no rule of law for them. Swami Agnivesh also said that the probe ordered by the chief minister, which will be headed by the IG rank officer, is of no use, because the IG who reports to the state home ministry will not do justice to the case, and he alleged it will be a biased inquiry.